दोस्तों, अभी अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है सेटअप एग्ज़ाम को लेकर। जो भी छात्र एवं छात्राएं 2023 में इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। तो इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, क्या इसका रूटीन रहेगा, क्या टाइम टेबल रहेगा, किस डेट से एग्ज़ाम होने वाला है, सारा कुछ जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम आपको पेपर कटिंग के माध्यम से दिखा पा रहे हैं कि 11 अक्टूबर से शुरू होगी इंटर सेटअप परीक्षा। तो इसका जो परीक्षा है वो 11 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। नीचे देख पा रहे हैं, उत्तीर्ण होने पर ही मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। तो जो भी छात्र एवं छात्राएं इस एग्जाम में उत्तीर्ण होगा, उसी को ही मुख्य परीक्षा में शामिल कर दिया जाएगा। और यहाँ देख पा रहे हैं, बोर्ड ने निर्देश दिया है कि इंटर परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं को सेटअप परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। यही नहीं, जो छात्र एवं छात्राएं सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा में पास नहीं होंगे, वो मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। बिहार बोर्ड ने निर्देश दिया है कि परीक्षा में फेल होने वाले छात्र एवं छात्राओं को एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे में सभी स्कूल इसका सख्ती से पालन करेंगे, मुख्य परीक्षा की तर्ज पर सेटअप परीक्षा ली जाएगी। तो जो भी छात्र एवं छात्रा है, उसको इस सेटअप परीक्षा में पास होना जरूरी है, तभी वो मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। और आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो अपडेट है मुजफ्फरपुर से निकल करके आ रही है। मुजफ्फरपुर वीर संवाददाता, इंटर परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले छात्र एवं छात्राएं के लिए 11 अक्टूबर से इंटर सेटअप परीक्षा ली जाएगी। तो इसका जो इंटर सेटअप परीक्षा वो 11 अक्टूबर से होने वाला है। और बिहार बोर्ड मंगलवार को इस संबंध में मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के लिए शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किया है। इसका जो निर्देश है वो जारी कर दिया गया है। और परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। और बिहार बोर्ड ने निर्देश दिया है कि 25 से 30 सितंबर के बीच प्रश्न पत्र जिला शिक्षा कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा। इसका जो प्रश्न पत्र है 25 से सितंबर के बीच में जिला शिक्षा कार्यालय वहां उपलब्ध कराया जाएगा। जिले में इंटर परीक्षा 50,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस परीक्षार्थी में परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। इस परीक्षा में जो है 50,000 से अधिक छात्र शामिल रहेंगे और इस परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य रहेगा। अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच स्कूल में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। बोर्ड ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में परीक्षा शुरू होने से पहले उपलब्ध प्रश्न पत्र लीक नहीं होना चाहिए। गोपनीय प्रश्न पत्र को सुरक्षित रखने की पूरी जवाबदारी संबंधित शिक्षण संस्थान की प्रधान की होगी। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको यही छोटी सी जानकारी देने वाले थे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इसका जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।